सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे आगे है कि टाटा हैरियर की डार्क एडिशन है। आप देख सकते हो क्या स्टनिंग लगती है पूरे ब्लैक में ये गाड़ी। आप यहाँ पे इसके आगे जो है ये LED के प्रोजेक्टर देख सकते हो यहाँ पे। इसके देखो पहले जो नॉर्मल जो हैरियर है ना उसकी ना मतलब कि जो ग्रिल है वो पूरी क्रोम की आती थी, इसके पूरा ब्लैक कर दिया उन्हें, मतलब कि डार्क एडिशन को सिग्निफाई करने के लिए। बड़ा सा टाटा लोगो भी है यहाँ पे। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है और उसके नीचे फॉग लाइट्स है। देखो नॉर्मल इसमें क्या होता है, आप स्क्रीन पे देखो नीचे ये सिल्वर कलर का होता है, बट इसमें अभी ब्लैक है क्योंकि डार्क एडिशन को वापस सिग्निफाई करने के लिए। और सच्ची बोल रहा हूँ, देखो कैमरा आपने वो जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, बट इसका कलर ना इन पर्सन बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है कि वो तो मास्टर कार टाइप बोलते ना वैसे है। अभी आप आगे आ जाएंगे तो आपको इसके टायर के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। ये है दोस्तों आर, मतलब 235 R18, 18 इंच के एलॉय व्हील्स है। इसका नाम है ब्लैक स्टोन, ये कलर का नाम है। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। देखो नॉर्मल उधर सफारी भी खड़ी है, आप वहाँ पे देख सकते हो, उसके भी इसके सेम व्हील्स है, खाली कलर का डिफरेंस है। और इसमें मतलब कि 18 इंच का, और इसको ये ब्रिजस्टोन के इकोया व्हील्स है नॉर्मली, रेडियल और ट्यूबलेस। उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे बॉडी बॉडी क्लैडिंग देख सकते हो, यहाँ पे है पूरी बॉडी क्लैडिंग। उसके बाद में यहाँ पे देखो डार्क का हैशटैग डार्क का बैज दिया गया है, सिग्निफाई करने के लिए कि डार्क एडिशन है गाड़ी की। अब यहाँ पे ORVMs देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, और उसमें ऊपर इंडिकेटर्स भी दिए गए। देखिए नॉर्मल जो है ना, मतलब नॉर्मल हैरियर में ना यहाँ पे क्रोम का आता था पूरा इंसर्ट्स, तो अभी इसमें पूरा ब्लैकआउट कर दिया है। उसके बाद में ये जो रिक्वेस्ट सेंसर्स है वो भी यहाँ पर ही अपने नॉर्मल प्लेस पे। देखो किधर भी देखो, पहले इधर भी जो ये लाइन है ना, ये पूरी उधर क्रोम की लाइन आने की, बट इन्होंने मतलब कि इसको भी ब्लैकआउट कर दिया, तो बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। जिन्हें ज़्यादा क्रोम पसंद है ना उनके लिए मतलब बेस्ट है ये। उसके बाद में देखो पीछे आप देख सकते हो गाड़ी की लेंथ, देखो दोस्तों गाड़ी की लेंथ अच्छी खासी है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो उसके टेल लाइट्स, देखो आप क्या LED में मस्त लग रहा है एकदम। इसके देखो क्या फील आ रहा है, देखो ऐसे एक बड़ी सी लाइन है, देखो मेरा हाथ देखो अच्छा खासा बड़ा, एक बड़ी सी लाइन है ऐसा अक्रॉस द जा रही है और सीधा इधर आ जा रही है लाइट, अच्छा लग रहा है। पीछे देखो ये वाइपर है, रियर वाइपर है विद डिफॉगर। उसके बाद में जो है वोकल फॉर लोकल की बैजिंग है दोस्तों, अभी टाटा के हर गाड़ी पर लोकल फॉर वोकल की बैजिंग आ रही है अभी। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मतलब होता है ना पीछे भी, देखो ये जो हैरियर था ये भी लोगों को क्रोम में पसंद था, बट इसको पूरा ब्लैकआउट कर दिया है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और पीछे आप यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी देख सकते हो पीछे दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो थर्ड ब्रेक लाइट दी गई है ऊपर। उसके बाद में देखो पीछे जो लुक है ना गाड़ी की एकदम, देखो ये जो लाइंस है ना इधर से लाइंस जा रही है, एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम मस्कुलर और बॉडी टाइप SUV लग रही है। देखो पीछे रिफ्लेक्टर जिसके, उसके बाद में बूट भी इसका, देखो दोस्तों आप बूट देख सकते हो इसका कितना स्पेशियस है। आई थिंक 425 लीटर का इसका बूट है। देखो दोस्तों मैं एक स्मॉल बंदा नहीं हूँ, मैं 5'10" का हूँ, देखो मैं आराम से इसमें पूरा गाड़ी के अंदर मतलब सो सकता हूँ, ऐसा कोई किडनैप करेगा तो सो सकता हूँ शायद, ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत ही बड़ा है। उसके बाद आप यहाँ पे स्पीकर देख सकते हो JBL के दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो JBL के स्पीकर दिए गए। उसके बाद में आप यहाँ पे भी देख सकते हो टूल किट दी गई है टाटा की, बहुत ही अच्छा बूट स्पेस है दोस्तों, आपको वीडियो में जस्टिफाइबल नहीं हो रहा होगा। और इसके जो नीचे देखो अपना जो जैक रहता है ना अपना, जो गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए वो जैक दिया गया है। उसके बाद में देखो दोस्तों इसमें देखो इतना नीचे भी अच्छा स्पेस दिया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान हो गए ना आप छोटे छोटे इसमें भी रख सकते हो। उसके बाद में हम थोड़ा देखो इसमें भी पीछे देखो इसके, इसको क्वालिटी बताना चाहता हूँ। देखो इतनी थिकनेस है, देखो इसकी इतनी थिकनेस है और बहुत मजबूत लग रहा है। देखो मतलब ऐसा होता है ना नॉर्मल ऐसा होता है ना एकदम हैवी ड्यूटी लग रही है गाड़ी, और ऐसे लग रही नहीं जो गाड़ी प्राइस में आती है उसके हिसाब से। तो सब गाड़ी देख सकते हो, गाड़ी की लेंथ है 4598 mm की लेंथ है, और वन यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको क्योंकि वहाँ से पूरा आ रहा नहीं होगा, यहाँ से दिखाता हूँ। गाड़ी की लेंथ 4598 mm है, आप देख सकते हो। वेट भी 1984 mm ऐसा कुछ तो है वेट गाड़ी का। सर ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको देख सकते हो 1706 mm के ग्राउंड क्लियरेंस है, अच्छा लग रहा है एकदम। ये देखो ये बॉडी क्लैडिंग ना मतलब कि ठीक है, ये मान सकते हैं SUV ऑफ रोड के लिए बनी गई है, बट मस्त लग रही है इस पर क्योंकि लोगों ने ऐसा ज़्यादा इधर से देखो एक लाइन आ रही है उस पर, मतलब कि उस पर से बॉडी क्लैडिंग नहीं ली है, तो ये नीचे से भी अच्छी लग रही है, नीचे से भी लाइन्स। उसके बाद में आप डोर की क्वालिटी देख सकते हो, इतना देखो इतना बड़ा डोर है इसका, एटलीस्ट आई कैन से कि वो ना 4-5 तो होगा। आप यहाँ पे इसके डोर के देखो, ये आपने पहले भी देखे हो गए, ये मतलब कि टाटा के इसके नेक्सॉन EV में भी ऐसे इसके बट ब्लू कलर के एक्सेंट्स थे। उसके बाद में यहाँ पे जो है क्रोम हैंडल्स है डोर के, और आप वापस देखो पावर विंडोज़। उसके बाद में ये हैंडल आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देखो पहले क्रोम था, मतलब कि हाँ देखो मैंने एक बात देखो नोटिस करना भूल गया, ये पूरी गाड़ी डार्क एडिशन है,
बट यहाँ पे क्रोम दिया गया है, तो मतलब कि इसका एक ही रीज़न हो सकता है क्योंकि ये प्रीमियम लग रही है, मतलब क्रोम में गाड़ी ऐसा अच्छी खासी प्रीमियम लग रही है, और इस पर भी अगर प्लास्टिक दे दे तो रोज़ हाथ लगाते हैं ना ये चीज़, तो उतना इफेक्ट नहीं आता था शायद। सो दोस्तों आप यहाँ पे बूट देख सकते हो, बहुत ही हैवी है दोस्तों बूट इसका, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स तो मिसिंग लग रहे हैं इस पर। यहाँ पे एक अपने को दिया गया है सपोर्ट, बहुत हो गया यार काम इसमें। देखो दोस्तों गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे देख रहे हैं, इतने मतलब बोलते हैं ना ऐसा अच्छा खासा मेटल दिख रहा है, उसका मैकेनिज्म देख सकते हो आप, ट्रंक इसका बंद करने का आगे का। और यहाँ पे आप देखो कायरोटेक 2 लीटर इंजन है इसमें, ये मतलब कि इसमें मैनुअल भी आता है और ऑटोमेटिक भी आता है, ऑटोमेटिक डीजल अवेलेबल है। फिर उसके बाद में ये आप देख सकते हो यहाँ पे कूलेंट का रिजर्वायर है, और ये अपने विंडशील्ड वाइपर का फ्लूइड। उसके बाद में नॉर्मली आप देख सकते हो कि मतलब कि अब यहाँ पे वाइपर्स भी देख सकते हो दोस्तों, और इसकी भी क्वालिटी देखो आप, देखो दोस्तों इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, जो इसके अंदर प्लास्टिक यूज़ किए गए, बस इतना ही था। दोस्तों यहाँ पे आप डोर में अंदर बैठ कर दिखाने वाला इंटीरियर इसका, तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो आई एम 5'10", तो इसकी देखो आप हाइट देख सकते हो, मुझे पूरा पैर स्ट्रेच करके देखो अब मैं बैठ गया गाड़ी में। इस पर यहाँ पे देखो एडजस्टेबल मिलते हैं, देखो सीट्स अप डाउन फीचर के साथ, देखो ये आगे हो रहा है पीछे, और ये आगे और ये पीछे। उसके बाद में देखो यहाँ पे मतलब कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, नहीं ऑटोमेटिक, और यहाँ पे देखो थर्ड आपको ब्रेक पैडल दिख रहा होगा मेरे पैर के पास, आप जूम करोगे तो दिख पाएगा, थर्ड ब्रेक पैडल डेड पैडल है। उसके बाद में ब्रेक एक्सीलेटर, तो देखो दोस्तों वापस एक चीज़ मैं नोटिस की है, ये गाड़ी डार्क एडिशन है बट यहाँ पे थोड़ा क्रोम दिख गया मुझे। उसके बाद में ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। उसके बाद में आप अंदर का इन्फोन इसमें जो डिस्प्ले देख सकते हो अंदर इसका, इसमें देखो एक नॉर्मली जो स्पीड का है ना वो नॉर्मल डिजिटल नहीं है। सो दोस्तों आप अंदर देख सकते हो क्या मस्त फील आ रहा है इसमें, एकदम प्रॉपर एकदम मस्त बोलते हैं ना SUV टाइप लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी को देख के। देखो दोस्तों इतनी बहुत ज़्यादा लेंथ है, जो पैसेंजर है बाजू वाला उसके लिए भी अच्छे ही है, क्योंकि तो वैनिको कैलिपर सीट्स बोलता है आई गेस, अच्छा खासा नाम दिया गया, बट बहुत अच्छे सीट्स है दोस्तों। आप खुद इसको जब तक फील नहीं करोगे तब तक वो समझेगा नहीं। उसके आगे यहाँ पे इन्फोटेनमेंट का अपना डिस्प्ले भी है, उसमें देखो आप डिजिटल गेज क्लस्टर भी दिखा रहे हो, आप स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स भी देख सकते हो आप। सो दोस्तों आप यहाँ पे स्टार्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देख सकते हो, इस पर एक क्लिक करोगा तो गाड़ी चालू हो गई दोस्तों अभी, तो AC लग गया अभी। देखो दोस्तों आगे आप डिजिटल गेज क्लस्टर देख सकते हो, उस पर टाटा की लोगो आ गई है जैसे गाड़ी चालू करते हो, और मस्त एकदम अच्छा खासा बोलते हैं ना एकदम कलरफुल डिस्प्ले इसका, डिस्प्ले क्वालिटी भी ठीक ठाक है। उस पर दिखा गया है देखो प्रेस ब्रेक पैडल टू स्टार्ट द इंजन, और डोर ओपन जो सब दिखा रहे हैं इसमें। और आप यहाँ पे देखो ये जो है नॉर्मल जो है बोलता है स्पीडोमीटर वही है, फक्त जो आधा जो डिस्प्ले वही डिजिटल गेज क्लस्टर है। उसमें आप स्टेयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स देख सकते हो आप, यहाँ पे प्लस माइनस का हो गया, ये ट्रैक चेंज करके, ये कॉल पिक, ये कॉल ड्रॉप, उसके बाद ब्लूटूथ का फीचर। उसके बाद क्रूज कंट्रोल देखो दोस्तों यहाँ पे आप दिख सकते हो, आपको आप जूम करके दिखाओ तो आपको समझेगा यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है। आप यहाँ पे कंट्रोल देखते हो तो क्रूज के देखो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का बटन है, ये मतलब कि स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। मस्त देखो इसमें स्टेयरिंग भी मस्त लग रही है। अभी आपको मैं बीच में से दिखा देता हूँ दोस्तों, देखो दोस्तों ये छोटी सी बॉटल है एक, इसमें देखो बीच में आ रही है, तो आजू बाजू इसके 500 ml के बॉटल आराम से आ जाएगी, आपको रखना तो एक 1 लीटर की बॉटल भी रख सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हो इसके आगे जो डिस्प्ले है इसकी, देखो दोस्तों इसकी भी एकदम क्रिस्प और क्लियर डिस्प्ले है, ठीक है मतलब कि सिस्टम अच्छा ही काम कर रहा है। यहाँ पे USB का ऑप्शन है, उसमें देखो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों है। यहाँ पे वॉइस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और ये इसको कंट्रोल करने के लिए फीचर्स है इसके अंदर, बटन्स आपको नहीं कंट्रोल करना है तो ये होम जा सकते हो, फिर आप मतलब ना ट्रैक्स वगैरह चेंज कर सकते हो, आप इसके AC वेंट्स देख सकते हो यहाँ पे। सब इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है, देखो डायरेक्ट वाले ऑटो का फीचर है इसमें। और आप यहाँ पे इसके देखो ये जो इसका हैंड ब्रेक है, ये नॉर्मली अपना ऐसा खींचने वाला होता है बट इसका ऐसा होता है ना स्टाइलिश हैंड ब्रेक है इसका। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसके जो गियर का लॉब है, अच्छा खासा लग रहा है इसमें पार्क। अब नज़दीक आ जाओ तो आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको पार्क का ऑप्शन है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, और ये जो होता है ना ऐसा इसमें आई थिंक से इसमें पैडल शिफ्टर्स हाँ नहीं है, लेकिन आप इसमें ऐसा चेंज कर सकते हो इसमें मैनुअल मोड में भी प्लस माइनस करके। अब यहाँ पे आप टेरेन सेलेक्टर बोलते हैं ना अपना, वो भी इधर दिया गया है। इसमें देखो हिल डिसेंट कंट्रोल है, और जो इसका आई थिंक सो ये ABS का कंट्रोल ऑफ करने के लिए। इसमें देखो आगे एक छोटा सा स्पेस है, इस पर हमारी की है, आप की देख सकते हो दोस्तों, अनलॉक लॉक अनलॉक लॉक, और ये लाइट्स के और इसके ट्रंक ओपनिंग के बटन्स है यहाँ पे। उसके बाद में ये देखो इसमें और एक चीज़ मैं भूल गया, देखो इधर भी यहाँ पे क्रोम दिया गया है दोस्तों, ये एक बात नोटिस करने की है।
और जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, मतलब कि देखो ये हिल रहा नहीं है, देखो एकदम क्वालिटी स्टडी लग रहा है, ये पूरा मटेरियल हिल रहा नहीं है, यहाँ पे पियानो फिनिश है। उसके बाद मैं आपको ग्लव बॉक्स दिखा रहा हूँ, मैं दोस्तों ग्लव बॉक्स आपको दिख रहा नहीं होगा, कैमरा आगे आ गया थोड़ा। तो दोस्तों इसमें 5.2 और 2.4 एम्पियर के दो मतलब होता है यूएसबी सॉकेट्स है, उसके अंदर 12 वोल्ट का एक नॉर्मल आउटलेट भी है। बस इसमें आगे आप ग्लव बॉक्स देख सकते हो, यहाँ पे कोल्ड ग्लव बॉक्स है सॉरी। उसके बाद में आपकी इसकी स्पेस भी अच्छी खासी, यहाँ पर भी सेम मतलब बोलते हैं ना सर डॉक्यूमेंट होल्डर और नीचे वो दिया गया है। उसके बाद में तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सर ग्लव बॉक्स है, तो इसका कितना मतलब बड़ा स्टोरेज है, एकदम एकदम डीप है अंदर तक है। और यहाँ पे एक बोलता ना सेपरेट मैगजीन या आपके कुछ गाड़ी के पेपर्स हो उसमें भी स्टोर कर सकते हो, तो अच्छा खासा है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम बात करना भूली गई है, वो इसकी रूफ। दोस्तों पैनारोमिक सनरूफ है इसमें, इसमें एक क्लिक करे तो सनरूफ खुल जानी चाहिए, बट अभी उसको मतलब कि सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर अभी मैं सर आगे कर रहा हूँ तो इसके ब्लाइंड्स बंद हो रहे हैं, और देखो यहाँ पे सनरूफ पूरी हो जाएगी बंद, मैंने बटन दबा दिया सनरूफ का। देखो दोस्तों सनरूफ अभी खुल रही है गाड़ी के, बहुत ही वाइड सनरूफ है दोस्तों। यहाँ पे विंड आपको मतलब होता ना नहीं लगने के लिए, यहाँ पे डिफ्लेक्टर भी है विंड का। तो दोस्तों कितने पीछे आ गए देखो, आधे गाड़ी देखो ये फ्रंट सीट से उसके पीछे गाड़ी आ गई है, तो मस्त पूरा ओपन लग रहा है अभी गाड़ी का फील बहुत, और बड़ी भी है इसकी विंड मतलब बोलते ना सनरूफ, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप ऊपर देख सकते हो, आप मैं तो कैमरा मैन ऊपर जाके दिखा सकता आपको, आप अगर बाहर जाओगे तो आपको सनरूफ कितनी बड़ी वो भी दिख जाएगी और कहाँ पे खुलती वो भी दिखेगी। तो उसके बाद में आपको आगे लाइट्स है, लाइट्स भी दिख रहे होगे आपको, आपको उसमें जो ब्लू कलर है उसमें लाइट्स दिख रहे होगे आपको अच्छे खासे। उसके बाद पूरे चारों ओर देख सकते हो गाड़ी के, उसके बाद में एकदम मस्त लग रही है दोस्तों इसकी फील गाड़ी की, तो बहुत अच्छे बहुत प्रीमियम लग रही है दोस्तों गाड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो दोस्तों मैं आपको सनरूफ अब बंद करके दिखा रहा हूँ, यूजुअली मतलब कि क्यों बंद हो रही है मतलब ऐसा टाइम नहीं ले रहे ज़्यादा, हो गए दोस्तों पूरी बंद। और आप यहाँ पे ब्लाइंड भी बंद कर सकते हो इसके पूरी गाड़ी के, आप देख सकते हो ब्लाइंड भी, अगर आपको मतलब कि थोड़ा ज़्यादा धूप है तो आप पूरा ब्लाइंड डाल के रख सकते हो, अगर थोड़ा अभी जो मौसम चल रहा है वैसा है तो थोड़ा सा आप स्क्रीन को ऊपर विंड वो भी निकाल सकते हो। दोस्तों पीछे की सीट पीछे के जो डोर्स है वो भी बहुत वाइड ओपन हो गए, मतलब कि अंदर चढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको चढ़ के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ कंफर्टेबली, यहाँ पे एक एसी वेंट भी है, यहाँ पे JBL के स्पीकर्स लगे गए हैं आप वो भी देख सकते हो, तो ट्विटर्स है JBL के नीचे स्पीकर्स है। उसके बाद में अब विंडो का देखो ओपन से करने का बटन, अप डाउन स्विच है, उसके अंदर पीछे बहुत स्पेस है दोस्तों। देखो मैं इधर बैठा हूँ ना और तीन जन कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, खाली बीच में ना थोड़ा सा बम्प आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा बम्प आ गया, उतना ही प्रॉब्लम है उसमें, बाकी सब ठीक लग रहा है यहाँ पे। और पीछे जो थर्ड पर्सन के लिए ना पीछे हेडरेस्ट नहीं है, बाकी सब ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को हेडरेस्ट मिल गया है, मतलब कि जो आजू बाजू बैठते थर्ड पर्सन के, खाली बीच में थोड़ा बम्प भी आ गया इसका ट्रांसमिशन टनल का, बाकी सब ठीक है दोस्तों। गाड़ी के अंदर से बहुत स्पेस है और सीट्स भी अच्छी खासी कंफर्टेबल है, और बीच में यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है बट कवर गाड़ी की नहीं है ना, तो इसलिए मैं नहीं खोल रहा हूँ। चलो दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्पेशल बोलते हैं ना ऐसा डार्क एडिशन का एक साइन बोर्ड भी है, इसके ऊपर आप हैशटैग डार्क रूल्स करके देख सकते हो। यहाँ पे अल्ट्रोस दिखाई गई है, उसके बाद में नेक्सॉन है, नेक्सॉन के बाद में हैरियर है दोस्तों, तीनों डार्क एडिशन बहुत ही सुपर्ब लग रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो बोला था R18 ब्लैकस्टोन अलॉयस, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्पेशल डार्क एम्ब्रॉयडरी, मैंने मतलब कि अभी जो सीट मेरे जो गाड़ी मैंने रिव्यू की थी उसमें सीट के कवर्स लगे थे सॉरी मतलब कि प्लास्टिक लगा था, तो इसलिए मैं दिख नहीं पाया अंदर। उसके बाद में आप यहाँ पे जो इनका डिस्प्ले वो भी देख सकते हो डार्क थीम के साथ में इंटीरियर्स। फिर आप यहाँ पे देखो जैकेट देख सकते हो, मतलब कि मेरी वाली जैकेट नहीं है, तो इस पर खाली देखो हैशटैग डार्क रूल्स करके उन्होंने जैकेट बनाई, यहाँ पे भी डार्क की बैजिंग है जैसे वो गाड़ी पे थी, अच्छे जैकेट्स दिख रहे हैं।